आदाबर से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा, आवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकफियत। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का किया गया आगाज, रियासती वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने किया इफ्तिताह, कहा सरकारी दवाखानों की तरक्की के लिए इकदाम करने की रियासती हुकूमत पाबंद है। सत्ताईस अक्टूबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास के लिए पुलिस का वसी तर बंदोबस्त, स्पीकर असेंबली और चेयरमैन काउंसिल ने कमिश्नर पुलिस के साथ मुनक्किद किया इजलास। पंजागुट्टा पुलिस ने जेब कतरों को गिरफ्तार करते हुए सरखाशुदा सेल फोन्स को किया बरामद, डीसीपी वेस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मियांपुर में जेर तामीर इमारत की दीवार पड़ोस में वाक़े मकान पर गिर पड़ी, कम उम्र लड़की शदीद जख्मी, जेर तामीर इमारत के मालिक पर लापरवाही का लगाया गया इल्जाम। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल की सुबह पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकजात का पैदल दौरा करते हुए मकामी आवाम से मुलाकात की। उन्होंने मकामी आवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उन्हें हल करने का तयक्कुन भी दिया। सदर मजलिस का दौरा भवाई नगर से शुरू हुआ, जो अमान नगर ए, मलाका छिल्ला, कोचले आलीजा, दाराब जंगली, ईरानी गली, पंजशाह, मंडी मिनालम, दीवान जोड़ी के अलावा छता बाजार और दीगर इलाकों तक जारी रहा। सदर मजलिस पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन के हमरा मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मजलिस डिवीजन कोऑपरेटर महमूद सुहैल कादरी के अलावा इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रियासती वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अमल मिला। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला और वजारत सेहत के दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि रियासत भर में 40 डायलिसिस सेंटर्स का क्याम अमल में लाया जा रहा है और बताया कि हुकूमत सरकारी दवाखानों को खानगी दवाखानों के तर्ज पर तरक्की देने के इकदाम कर रही है। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि रियासत भर में 40 डायलिसिस सेंटर्स का ख़याम अमल में लाया जा रहा है और इस सिलसिले में पहला डायलिसिस सेंटर का आगाज सिद्दीपेट में किया गया। उन्होंने बताया कि गुर्दों के आर्जे में मुब्तला मरीजों को डायलिसिस करने के इकदाम से मरीजों को काफ़ी सहूलतें हो रही हैं। लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि सरकारी दवाखानों को खानगी दवाखानों की तर्ज पर तरक्की देने के इकदाम के बायस मरीजों में सरकारी दवाखानों में इलाज के तई एतमाद पैदा हो रहा है। डायलिसिस सेंटर को इनाग्रेट कर लिए। ये डायलिसिस सेंटर जो गरीब किडनी फेल्यूर पेशेंट्स है, वो लोगों को बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इससे। पूरा स्टेट में 40 सेंटर्स को सैंक्शन दिया है सीएम साहब ने।
अभी 10 सेंटर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, बाकी का पूरा सेंटर्स ये मंथ एंडिंग तक एक महीने में पूरा कंप्लीट करते हैं उसको। ये 40 सेंटर्स स्टेट में पूरा कंप्लीट हो गए तो ये किडनी पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है उनको। क्यों बोले तो ये किडनी फेलर हुए से लोग हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता, कर लेना पड़ता, फिर दूर दूर से 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर जाके डायलिसिस कर लेने का बोले तो उन लोगों को मुश्किल हो रहा और पैसों का भी टाइट वो लोग को मुश्किल हो रहा। क्यों बोलते हो पेशेंट रहना, पेशेंट के साथ और एक आदमी रहना, वो लोग उतना दूर आके करने लगे, वो लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे वो लोग। अभी स्टेट पूरा हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट का होता और हर एरिया में 40 सेंटर से खोले तो सब लोग अच्छा होता। अब इससे क्वालिटी डायलिसिस भी हो रहा है इससे। क्यों बोलते फर्स्ट टाइम इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में फिल्टर्स को सिंगल यूज रखे। बोलते फिल्टर्स इससे पहले 8 बार 10 बार 12 बार यूज़ करते थे एक ही फिल्टर को, उससे अच्छा डायलिसिस नहीं हो रहे थे। नहीं अभी सिंगल यूज़ करने के लिए वो दे रहे ले, उस वास्ते वो फिल्टर भी अच्छा हो रहा है, डायलिसिस भी अच्छा होते, पेशेंट भी उसको अच्छा, तबीयत भी अच्छा रहता। जय ट्रीटमेंट कराना फ्री में, यहाँ पे डायलिसिस मिल रहा 5 है मिस्टर साहब बोल रहे हैं आज यहाँ पर चलाने लगाएंगे हम डायलिसिस सेंटर। पुलिस में सादर मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिक हलखजात में तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा ले रहे हैं और मुख्तलिफ कामों का आगाज़ भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हलके बहादुरपुरा मोहम्मद मुअज़्ज़म खान ने चंदुलाल बारादरी में वाक़ सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। अलावा जी जूडू कराटे गेम्स और बच्चों के लिए झूलों का भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आगाज़ किया गया। इस मौके पर मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा, मोहम्मद मुबीन के अलावा सरगम मजलिस कारकुनान और इब्तदाई के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कई प्रोग्राम्स रखे गया है, ख़ास तौर से हमारे सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों से सिविक मिशन्स का जो सिल्वर सेंटर से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उसकी तकसीम किया गया है। तकरीबन ये 200 सिविक मिशन्स थे, उसके बाद एमपी साहब की काफ़ी मसरूफियात रहने की वजह से वो दूसरे प्रोग्राम्स में चले गए और मुझे इस चंदूलाल बारादरी डिवीज़न में यहाँ पर भिजाए हैं। आज इस प्रोग्राम में इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब एम ए गफ्फार साहब और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉरपोरेटर जनाब मोतीलाल नायक साहब, हन्नान साहब, सलीम साहब, मुबीन साहब और हुसैनी पाशा साहब इस प्रोग्राम में मौजूद है। यहाँ पर हैदराबाद में GHMC लिमिट्स के अंदर सबसे पहला लेडीज़ जिम का इनॉग्रेशन किया गया है चंदूलाल बारादरी डिवीज़न के अंदर, और सेकेंडली एक चिल्ड्रंस पार्क का इनॉग्रेशन हुआ है। थर्ड, यहाँ पर जो चंदूलाल बारादरी सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो जूडो का हॉल है, इस हॉल के अंदर इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया के अंदर जो जूडो के मैट्स आते हैं, उस मैट्स को GHMC लिमिट्स के अंदर सबसे पहला मैटा चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर लगाए गए हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा आवाम के दरमियान में हमारे MLAs को, कॉरपोरेटर्स को कहते हैं आप रहिए, उनके साथ रहिए। महल्ले के मसाइल तो है, ड्रेनेज के मसाइल है, रोडों के मसाइल है, गवर्नमेंट के स्कीमात जो आते हैं उस चीज़ों के बारे में है। उसके अलावा एक स्पोर्ट्स भी बहुत अहमियत रखे जाता है, उस स्पोर्ट्स को देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आज लेडीज़ जिम का इनॉग्रेशन किया गया है, चिल्ड्रंस पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है, इस स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर इंटरनेशनल लेवल के मैट्स जूडो के हॉल के अंदर बिछा गया है और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी सिलवई के सेंटर्स थे सारे औरतों को 200 सिलवई मिशन दिया गया है।
हर चीज़ में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवाम की के ऊपर नज़र रखती है और उनकी सहूलतें जितने भी गवर्नमेंट से मिलते हैं उस सारे सहूलतें दिलाने की कोशिश करती है। इसके अलावा और भी कई इनॉग्रेशंस कई डेवलपमेंट के होने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला उस प्रोग्राम्स में आपको बराबर बुलाकर उस सारी चीज़ों को भी बताया जाएगा। सदर कुल में शहादुल मुस्लिमीन उमड़े पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हसन नगर में वाक़ एक फंक्शन हॉल में मुस्तहक खवातीन में मंजूरा सलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई। मजलिस शहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्तहक खवातीन में सलाई मशीन मंजूर किए जाते हैं। इस तकरीब में मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुआज़्ज़म खान, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा के अलावा इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तकरीबन 200 से जायद इस्तेफादा कुनंदगान में सलाई मशीन तकसीम किए गए। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने वरियाला KCR पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ग्राम पंचायत मंडल परिषद और ज़िला परिषद की तरक्की के लिए हुकूमत ने एक रुपया भी फंड जारी नहीं किया गया है जिसकी वजह से तरक्की थम कर रह गई है। उन्होंने बताया कि वरियाला ग्राम पंचायतों की तरक्की का गुमराह कुन प्रोपागंडा कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र उद्यम గ్రామ పంచాయతీ స్థాయి నుండి స్థానిక సంస్థ రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరూ కూడా ఇవాళ వంట వార్పే కానివ్వండి సకల జనుల సమ్మె కానివ్వండి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తేవటంలో ముందు నిలిచింది స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు గ్రామీణ ప్రాంతం రైతాంగం రైతు కూలీలు దళితులు బలహీన వర్గాలని చెప్పక తప్పదని చెప్పండి అటువంటి స్థానిక సంస్థలు ఈ గడిచిన 3.5 సంవత్సరాల కాలంలో మీరు గ్రామ పంచాయతీ స్థాయి నుండి జిల్లా ప్రజాపరిషత్ వరకు ఈ మూడించెల వ్యవస్థ గ్రామ పంచాయతీ కానీ మండల ప్రజాపరిషత్ కానీ జిల్లా ప్రజాపరిషత్ కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి ఒక్క రూపాయి కూడా గ్రాంట్ విడుదల చేయలేక Not even a single rupee. ఇలా రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలి నాళ్ళల్లో జరగబోతుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేయబోతుందని ఆశలు పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇలా మన ఊరు మన ప్రణాళిక గడిచిపోయింది. कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें पार्टी की हिकमत अमली का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। वाज़ह है कि 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले असम्बली सेशन के सिलसिले में मस्कूरा इजलास मुनक़िद किया गया था। अपोजिशन कायद जाना रेड्डी के अलावा अपोजिशन कायद खानसाज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल ने इजलास में शिरकत की। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का एक इजलास CLP में मुनक़िद हुआ जिसमें अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, अपोजिशन लीडर खानूसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर, सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा अराकीन असम्बली और अराकीन खानूसास कौंसल भी मौजूद थे। इस इजलास में असम्बली और कौंसल का 27 अक्टूबर से मानसून इजलास का जो आगाज़ हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली का तफसीली तौर पर जायज़ा लेते हुए हुकूमत की नाकामियों और अवामी मसाइल को लेकर हुकूमत का घेराव करने का मंसूबा बनाया गया और कांग्रेस रुकन असम्बली कोमट रेड्डी की जानिब से किसानों के मसाइल को लेकर चलो असम्बली पर भी मुज़ाकरात किए गए। स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी की क़यादत में असम्बली और कौंसिल के अजलास के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने की गरज से एक अजलास मुनक़िद किया गया। अजलास में सलेक्शन क़ानून साज कौंसिल स्वामी गौड़ के अलावा कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और दीगर आला अहदारों ने शिरकत की।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने बताया कि इंतजाम की गरज से तकरीबन 3,000 पुलिस मुलाजमीन को असम्बली और कौंसिल के करीब तैनात किया जा रहा है। स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी की क़यादत में असम्बली और कौंसिल के 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले मानसून इजलास के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास का इनेखाद अमल में लाया गया, जिसमें सदरनशीन खानसास कौंसल स्वामी गौड़, कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी, सेक्रेटरी असम्बली चारी और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने असम्बली में सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि तकरीबन 3,000 पुलिस मुलाजमीन सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तैनात किए जाएंगे और असम्बली के अहाते के अलावा अतराफ व अकनाफ में CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। इसके अलावा असम्बली और कौंसिल के इजलास के मौके पर किसी भी किस्म के जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद रहेगी, जिस पर सख्ती के साथ अमल होगा। गौरव सभापति गारु, चेयरमैन गारु रिव्यू चेयडम जरिगिंदी। दींट्लो भागंगा 27 नुंडी దాదాపుగా ఒక నెల పాటు జరిగేటటువంటి ఈ శాసనసభ కార్యక్రమాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ నుండి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ అట్లాగే అన్ని వింగ్స్ వారు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి దాదాపుగా 3,000 మంది అధికారులు సిబ్బందిని దీంట్లో డిప్లాయ్ చేయడం జరుగుతున్నది। ఈ సమావేశాల సందర్భంగా యాక్సెస్ కంట్రోల్స్, యాంటీ సబటేజ్ చెక్స్, అట్లాగే స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ ది విజిటర్స్, ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ మాత్రమే ఈ ప్రెమిసెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యే విధంగా, ఆథరైజ్డ్ ప్లేసెస్లోనే వాళ్ళు వచ్చే విధంగా అన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతున్నది। ఈ సమావేశాల సందర్భంగా ఈ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో ఎవరు కూడా అసెంబ్లీ కాకుండా ఉండడానికి నిషేధాజ్ఞలు కూడా జారీ చేయడం జరుగుతున్నది। అదే సందర్భంలో మనకి హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు సిబ్బంది అందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేసి మొత్తం ఎంటైర్ సిటీ ఏరియాలో ఈ శాసనసభ సమావేశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ కూడా డ్యూటీలో ఉండే విధంగా వాళ్ళ వాళ్ళ ఏరియాల్లో తగినటువంటి బందోబస్తు సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ చేసే విధంగా తెలంగాణ తెలుగుదేశం కే సదర్ ఎల్ రమణా నే వజాహత్ కి హై కి కార్గుజార్ సదర్ రేవంత్ రెడ్డి షఖ్సీ కామ్ కి వజా బతాకర్ ఢిల్లీ గయే థే, లేకిన్ ఢిల్లీ మే ఉన్కీ సర్గర్మియోం కే తాల్లుక్ సే ఖబరే మీడియా కే జరియే ఉన్కే సామ్నే ఆయీ హై। उन्होंने बताया कि पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू को वक्तन फौक्तन रियासत और पार्टी के हालात से वाकिफ करवाया जा रहा है। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि अराकीन मुकन्ना के इजलास में तमाम कायदीन शिरकत करेंगे। पांजाकोटा पुलिस ने दो जेब कोतरों को गिरफ्तार करते हुए सरका शुदा सेल फोन बरामद कर लिए, जबकि मस्कुरा पाकेट मार सिटी बसों के मुसाफरीन के सेल फोन उड़ाया करते थे। डीसीपी बैजोन ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया के नुमाइंदों को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। इलाहाबाद में पांजाकोटा पुलिस ने एक और केस में अपने ही मालिक की कार से 4,00,000 रुपये का सरका करने वाले नौकर को गिरफ्तार किया और कब्जे से 70,000 रुपये नकद रकम बरामद की गई। पंजागुट्टा पुलिस ने दो पाकेटमारों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 12 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। डीसीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पंजागुट्टा पुलिस ने 20 साला मिकाला राजू साकिन एलबी नगर और 21 साला जी येसु को गिरफ्तार कर लिया, जो करनूल का मुतवतीन बताया गया है। मस्कुरा जेब कतरे सिटी बस में मुसाफरीन के सेल फोन्स का सरखा किया करते थे। मुलजमीन के कब्जे से 12 स्मार्टफोन्स बरामद किए गए, जबकि वो जुमला 70 मोबाइल फोन्स के सरखे में मुलविस पाए गए हैं। अलावाजी एक और केस में पंजागुट्टा पुलिस ने 28 साल के वेंकटेश साकिन बीएन रेड्डी नगर,
मुतवतीन जिले प्रकाशम को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 70,000 रुपये बरामद किए गए। वेंकटेश ने अपने ही मालिक की कार से तकरीबन 4 लाख रुपये के नकद रकम उड़ाई थी, ताहम पुलिस ने 4 लाख के मंजुमला 70,000 रुपये रकम ही बरामद की। DCP वेजदोन ने बताया कि पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में हुई सेल फोन के सरखे की वारदातों के सिलसिले में बरामद किए गए तकरीबन 70 सेलफोन्स को IMEI नंबर्स के जरिए उनके ओनर्स के हवाले किया गया। आज दो पिकपॉकेटर्स, वन मेकला राजू एंड गेद येसु, दोनों को अरेस्ट करके उनको पोजीशन में 12 सेल फोन्स रिकवरी करे थे। वो दोनों को भी अभी अरेस्ट बता। ऐसी दूसरा, इससे पहले गए 100 साल से समझो ये स्मार्टफोन्स गए 100 टाइम में विक्टिम्स हमारा पुलिस को इंफॉर्मेशन मिसिंग केसेस समझो, मिसिंग स्मार्टफोन समझो, नहीं तो थोड़ा लोगों बस में कुछ मिस हो गया बोल के कंप्लेंट्स भी दे दिए थे। उसमें 70 स्मार्ट सेल फोन्स भी आज पंजागुट्टा पुलिस रिकवरी करे थे। वो जो रिकवरी हुए सो स्मार्ट सेल फोन्स जो उनका जो विक्टिम्स को अभी हैंड ओवर कर रहे हैं। ऐसे ये ऑफेंडर्स का बारे में बोले तो उन्होंने गए 3-4 साल से वो लोगों ऑफेंस कर रहा, पिक पॉकेटिंग करते रहते हैं। जो जर्नी करे सो, ट्रैवलिंग करे सो बसेस में वो लोगों एक आदमी कवर को, विक्टिम को कवर करके एक आदमी उसमें जेब से निकाल देते, ऐसा उन्होंने उनका मोडस ऑपरेंडी है। बहुत सेल फोन से 12 सेल फोन उनका पोजिशन में रिकवर कर। दूसरा, जो ये लोगों थोड़ा लोगों बाहर भी भेज दिए थे। तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आकर कई मरतबा रेलवे ट्रैक पर इंसानों के अलावा जानवर भी फौत होते हैं। अपने किस्म के एक अनोखे हादसे में यादादरी के इलाके रामन्नापेट में वाक़ रेलवे ट्रैक पर तकरीबन 400 बकरे तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आकर फौत हो गए। ट्रेन ट्रैक के अतराफ व अकनाफ बकरे मरे पड़े नजर आ रहे थे। बकरों के चराने वाले चरवाहों ने इस हादसे पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़िम किया। अशोक विहार कॉलोनी उपरपल्ली में वाक़ एक अपार्टमेंट की किरायेदार खातून ने देखभाल करने वाले शख्स की हरासानी से तंग आकर अकदाम खुदकुशी की। DCP PV पद्मजा के मुताबिक जहां रात तबस्सुम ने 21 अक्टूबर को मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अपार्टमेंट की देखभाल करने वाले शख्स सैयद सलीम ने उनसे बहस की है और गाली गलौज करते हुए उन्हें धमकाया है। सोशल मीडिया में मस्कुरा वाकया वायरल होने के बाद खातून ने नींद की गोलियां खाते हुए खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे फौरी तौर पर उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। इलाज के बाद मुतासर खातून की हालत मुस्तहकम बताई गई है, जबकि मैलारदेवपल्ली पुलिस ने खातून का बयान दवाखाना पहुँच कर कलमबंद किया। वाज रहे कि खातून ने सैयद सलीम पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने न सिर्फ उनकी बेइज्जती की है बल्कि गाली गलौज करते हुए सोशल मीडिया में इस वीडियो को वायरल भी किया है। आइए देखते हैं फिर बात की खबरें। मियांपुर के इलाके में जेर तामीर इमारत की दीवार पड़ोस में वाक़ मकान पर गिरने से छत बैठ गई और एक कम उम्र लड़की इस हादसे में शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक रमिया श्री अपने ही मकान में खेल में मसरूफ थी कि जेर तामीर कॉम्प्लेक्स की दीवार छत पर गिर पड़ी। जख्मी लड़की के वालदेन ने इल्ज़ाम आयद किया कि जेर तामीर इमारत के ओनर की लापरवाही की वजह से मस्कुरा हादसा पेश आया है। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और जब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। सपोर्ट लेकिन उम्मीदों वाल पैन कंपौन गोड़ वे इंटर पैन पड़ रेखी रेखू प्लस आ गोड़ वी अम्मा पैन पड़ तल की वीट भाग मत इंजुरी अब स्कांग एक्सरे अवी पीसर तरह एम जो रिपोर्ट चूस तरह डाक्टर चुप्तनी।
घटकेसर के इलाके में ड्रग्स माफिया के हाथों एक शख्स के मुबैना कत्ल का वाकया पेश आया है। बताया गया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर से आई एक टोली ने कोकटपल्ली के साकिन एन चंद्रशेखर का अगवा किया था और उसकी लाश घटकेसर के इलाके में बरामद हुई। चंद्रशेखर के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ड्रग माफिया वाकये में मुलव्वस है। बताया जा रहा है कि टोली के दरमियान इख्तलाफात की वजह से कर्नूल के अड्डागुट्टा के साकिन चंद्रशेखर का अगवा किया गया था और बाद में उसकी नाश बरामद हुई। हैदराबाद में तरकारियों की कीमत में गैर मामूली उछाल देखा जा रहा है। टमाटर की कीमत तकरीबन 40 तक 50 रुपए फी किलो बताई जा रही है, जबकि हालिया बारिश की वजह से तरकारी की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। तरकारी की कीमत में इजाफे की वजह से आवाम भी परेशान है। कोतमीर की किल्लत पाई जाती है और रायतू बाजार के जिम्मेदारों ने कहा है कि आइंदा 10 दिनों के बाद कीमतों में कमी वाकई हो सकती है। टीआरएस में कानून साज काउंसिल रामलू नायक ने मीडिया से बात करते हुए रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से तांडे की तरक्की के लिए किए जाने वाले अकदामात और काबिना में इस ताल्लुक से करारदाद की मंजूरी पर गिरिजनों और बंजारा तबके की जानिब से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने वज्रला की सितायश करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत हर शोबे हयात में तरक्की के इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आईटी शोबे को तरक्की देने के अलावा कई दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तरक्की के लिए तेजी के साथ इक़दामात करने की अहदेदारों को हिदायत की। इजलास में रियासती वज़रा के टी रामा राव के अलावा ई राजेंद्र, नाइनी नरसिम्हा रेड्डी और कई महकमों के आला अहदेदारान भी मौजूद थे। रायनगर मंडल के इलाके वट्टेपल्ली में एक चाकूजी की वारदात पेश आई, जिसमें 4 से 5 नौजवानों ने एक नौजवान पर हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 25 साल मोहम्मद सुहेल पर हमला किया गया और कंप्लेनेंट के मुताबिक इस हमले में 23 साल मैसन, 23 साल शहजान के अलावा 30 साल सज्जाद और जाफर मुलविस हैं। मस्कुरा वाक़े के बाद मुतल्लिका पुलिस स्टेशन पहुँच कर उनके भाई ने इस सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई। मोहम्मद सलमान उद्दीन नाम है मेरा। जो जख्मी हुए मेरे भाई है, बड़े भाई सोल भाई, हम लोग वट्टापल्ली के रहने वाले हैं। वट्टापल्ली के 6 लोग जो अटैक करे सो वाले, मैसन नाम है लोगों का, मैसन शहजान नाम है लोगों का, और जो मेन है मुजाहिद है, बल्ली में रहते हम लोग। अटैक हुआ है सो पीछे से पूरा चाकू आ, सामने से चाकू ला के मारे, पूरा स्टिकों से मारे, बात करने का से कहते हुए मार रहा है। खाली एक छोटी सी बात के आज से उन लोगों को उल्टी बात करके भैसान करे, हम लोगों से भैसान करे तो उन लोगों मार दिए पहले स्टिकों से। मेरे बड़े भाई को सर पे मारे, मेरे को यहाँ हाथ की हड्डी तोड़ दिया मार के, ये उंगली पूरी मुड़ रही है मेरी। नाजिन न्यूज की दीगर खबरों पर एक सरसरी नजर डालते हैं। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा, आवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकफियत। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का किया गया आगाज, रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने किया इफ्तिताह। कहा सरकारी दवाखानों की तरक्की के लिए इकदामात करने की रियासती हुकूमत पाबंद है। सत्ताईस अक्टूबर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास के लिए पुलिस का वसी तर बंदोबस्त, स्पीकर असम्बली और चेयरमैन काउंसिल ने कमिश्नर पुलिस के साथ मुनक़िद किया इजलास।
पंजागुट्टा पुलिस ने जेब कतरों को गिरफ्तार करते हुए सरखाशुदा सेल फोन्स को किया बरामद। डीसीपी वेस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मियांपुर में जेर तामीर इमारत की दीवार पड़ोस में वाक़े मकान पर गिर पड़ी। कम उम्र लड़की शदीद जख्मी। जेर तामीर इमारत के मालिक पर लापरवाही का लगाया गया इल्ज़ाम। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती कौमी और बैलख़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।